ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस की देखिए पहचान, इन सेंटेंस को किस प्रकार से पहचानेंगे, ये जो सेंटेंस है वह शुरुआत होंगे मे से और अंत में इनके लगेगा विस्मयादि चिन्ह। अब इसका रूल होगा सेड या सेड टू के स्थान पर हम, तो ये वर्डों में हमें चेंज करना है सेड या सेड टू को, तो हमें सेंटेंस के अनुसार हमें ये चेंज करना होगा। पहला है प्रेयर, ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं। दूसरा है ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद देना या दिया। तीसरा है विशेष यानी शुभकामनाएं देना। चौथा है कर्स्ड यानी श्राप दिया। अगला रूल रहेगा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लगाएंगे दैट। मे से स्टार्ट होगा ये सेंटेंस, तो हम मे का हम कर देंगे माइट। ये रूल होगा इसके। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, अ मैन सेड टू अ चाइल्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड हेल्प यू, और ये लगा हुआ है विस्मयादि बोधक का चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए अब इसे ट्रांसलेट कर देते हैं इनडायरेक्ट में। तो अ मैन सेड टू लिखा हुआ है या सेड लिखा हुआ है, तो हम इसके स्थान पर हम लगा देंगे जो निम्न वर्ड मैंने आपको ये बताए हैं। तो वह गॉड से क्या कर रहा है, इसमें देखिए गॉड आया है तो हम गॉड के लिए प्रेयर ही लगाएंगे, यानी कि प्रेयर लगाएंगे क्योंकि गॉड के लिए तो हम प्रार्थना ही किया करते हैं। अ चाइल्ड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लगा देते हैं दैट, दैट लगा दिया। अब यहाँ पर मे है तो मे का हम कर देंगे माइट, मे का कर देते हैं माइट। देखिए रूल के अनुसार चल रहे हैं हम, और गॉड है तो गॉड लिखा, हेल्प यू, ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। इस प्रकार से ट्रांसलेट करना था इस सेंटेंस को। अब देखिए हमने अगला सेंटेंस लिखा है, माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू पास इन एग्जाम। माई फादर सेड टू के स्थान पर हम लगा देंगे यहाँ पर ब्लेस्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो इसकी जगह स्थान पर आ जाएगा डैट, मे का हो जाएगा माइट, डैट के बाद लिखा हमने आई, आई के बाद माइट पास इन एग्जाम। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल तो आपने आई होप समझ लिया होगा। ही सेड टू अ बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू गो टू हेल। तो हमें सेंटेंस को समझना होगा, सेंटेंस में क्या कह रहा है, सेंटेंस में कह रहा है गो टू हेल यानी पहाड़ में जाओ। ना तो इसमें प्रार्थना करना होगा, ना इसमें आशीर्वाद दिया है, ना इसमें शुभकामना दी है, श्राप दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा ही सेड या सेड टू के स्थान पर हम लगा देते हैं निम्न शब्द जो मैंने आपको बताया है, तो इसका श्राप का हो जाएगा क्रश्ड अ बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट। अब इसमें यू है, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसमें ऑब्जेक्ट है बॉय, बॉय का हम करेंगे तो हो जाएगा ही लगाया, मे का हो जाएगा माइट, माइट लगा दिया, और बचा है गो टू हेल। ये हो गया इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट। तो आई होप आपने तीसरा एग्जांपल समझ लिया होगा। अब चौथा एग्जांपल समझते हैं, माय सिस्टर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू बी अ डॉक्टर, और ये विस्मयादि बोधक जो चिन्ह रहता है वो लगा हुआ है, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखिए इसमें क्या होगा, माई सिस्टर है, चार आपके फैमिली मेम्बर ऐसे हैं, अगर सेंटेंस में आ जाते हैं जैसे फादर मदर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, ये आ जाते हैं तो आपको लगा देना होगा ब्लेस यानी आशीर्वाद। अगर सिस्टर आता है या चाची चाचा जितने भी नाम आते हैं उसके स्थान पर हमें लगा देना है, सेड टू के स्थान पर लगा देना होगा हमें विसेड यानी शुभकामना देना। तो माई सिस्टर हमने लिखा विसेड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट, यू जो सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन में हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें मी है तो मी का सब्जेक्ट करेंगे तो हो जाएगा आई, मे का माइट, यहाँ भी बी लगा हुआ है तो हम बी लगा देते हैं आ डॉक्टर। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट, इस प्रकार से बनाना है। अगला एग्जाम्पल है, अ बॉय सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू फेल इन एग्जाम।
तो हमें समझना होगा इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, कि जो लड़का है उसका फ्रेंड है उसने मे यू फेल इन एग्जाम। तो इसमें हमें ये पता चला है कि जो फ्रेंड लड़का है, लड़की के फ्रेंड ने उसको श्राप दिया, यानी उसने कहा कि फेल इन एग्जाम, उसने श्राप दिया जिस बॉय सैड या सैड टू के स्थान पर आ जाएगा क्रश्ड हिज फ्रेंड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, और यू जो है सेकंड पर्सन का है और इसमें आ गया फ्रेंड। तो हम फ्रेंड को हम क्या मान सकते हैं, सी मान लीजिए या ही मान लीजिए, तो मैं ही मान लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, और मे का हो जाएगा माइट, मे का माइट हो गया, फेल इन एग्जाम हो गया सेंटेंस कंप्लीट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन सेंटेंसों को हम पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनकी पहचान। रिपोर्टिंग स्पीच में ये वर्ड आते हैं, आप जानते हैं इसका रूल, सैड या सैड टू के स्थान पर हमें निम्न वर्डों का यूज करना है, जैसे सौरो, एलास, और ये चिन्ह रहेगा विस्मयादि चिन्ह। लेकिन इससे पहले हम यूज करेंगे एक्सक्लेमेट विथ, ये लगाएंगे, फिर इसके बाद ये लगा देंगे, कॉमा इनवर्ट कॉमा के स्थान पर हम दैट लगा देते हैं। अब इसके बाद आता है व्हाट और हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड है पर हम लगा देंगे वेरी। सेड या सेड टू के स्थान पर हमें ये जो वर्ड है इनका यूज करना है, जैसे कि डायरेक्ट में आ जाता है एलास, तो एलास के स्थान पर हम करेंगे सौरो का प्रयोग, स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, एक्सक्लेमेट विथ सौरो, इसी प्रकार एक्सक्लेमेट विथ कॉन्टेप्ट, एक्सक्लेमेट विथ जॉय, एक्सक्लेमेट विथ इसकी बात आ जाएगा प्रेस। अब दो हैं इसमें देखिए, एनी वन, दो में से हम किसी को भी लगा सकते हैं, वंडर को लगा सकते हैं, सरप्राइज को लगा सकते हैं, किसके स्थान पर, हाउ और व्हाट के स्थान पर, अगर आ जाए तो। जब ये आता है हाउ और व्हाट, तब हम लगाएंगे वेरी का भी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो दो में से हम किसी एक को यूज़ करेंगे वंडर या सरप्राइज का, तो छोटी मीनिंग जो है वंडर है, छोटी सी जो स्पेलिंग है वंडर की है, तो हम वंडर का यूज़ करेंगे, आप चाहें तो सरप्राइज का भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है आश्चर्य, जैसे इसका मतलब होता है जॉय का, खुशी। तो देखिए मैंने हिंदी भी लिखी है जिससे कि आपको समझ में आए किसका मतलब क्या होता है, तो ये टेबल आप लोग नोट कर लें। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आ बॉय सैड इनवर्टेड कॉमा एलास विस्मयादि चिन्ह आई हैव फेल्ड इन एग्जाम, ये है डायरेक्ट। अब इसको हम इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं, तो आ बॉय ये तो ऐसे ही लिखा, सेड या सेड टू के स्थान पर, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये वर्ड बताए हैं, जैसे कि इसमें आया है एलास, तो एलास के स्थान पर हम सौरव का प्रयोग करेंगे और साथ में ये लगाएंगे एक्सक्लेमेट विथ सौरव, ये लगाएंगे। तो चलिए लगा देते हैं, सौरव ये लगा दिया, तो ये हो गया क्लियर। अब बचा है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, तो इसके स्थान पर हम लगा देते हैं दैट। देखिए रूल है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट लगा देते हैं। अब बचा है आई हैव, लेकिन यहाँ पर हमने देखा आई फर्स्ट पर्सन का है और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, ही हैड फेल्ड, ही हैड फेल्ड इन एग्जाम, ये हो गया सेंटेंस ट्रांसलेट। इस प्रकार से करना है इनडायरेक्ट में। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिया है, आ बॉय सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट आर नाइस गिफ्ट इट इज विस्मयादि चिन्ह इनवर्टेड कॉमा वन। तो हमने इस एग्जाम्पल में देखा व्हाट, तो व्हाट से तो आप समझ जाइए इसमें वेरी लगेगा और साथ ही साथ इसमें हम प्रयोग करेंगे सरप्राइज का या वंडर का, तो हम दो में से इसका प्रयोग करेंगे वंडर का। तो लिखेंगे आ बॉय, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था एक्सक्लेमेट विथ सॉरो,
तो इसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पर वंडर या सरप्राइज लगा सकते हैं आप। अब है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इसके स्थान पर आ जाएगा दैट, सब्जेक्ट आता है फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे आ जाएगा इट इस है, तो इस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। अब हम इसको करेंगे पास्ट में, वॉज अ नाइस गिफ्ट, हमें वेरी का प्रयोग करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगी वेरी, तो ठीक है। देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ सेंटेंस फिर से, अ बॉय एक्सक्लेमिड विद वंडर दैट इट वॉज अ वेरी नाइस गिफ्ट, ये हो गया सेंटेंस ट्रांसलेट। तो देखिए हमने एग्जांपल लिखे हैं कुछ, पहला सेंटेंस है अ बॉय सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फी विस्मयादि चिन्ह इट इज डर्टी थिंक और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए अब इसे ट्रांसलेट करते हैं, लिखा अ बॉय फी का हम कर देते हैं कॉन्टेप्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाएगा दैट, अब लिखा हुआ है इट, हमने लिखा इट इस है तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का, तो अभी इसे हम पास्ट में कर देंगे तो इट वॉज डर्टी थिंक। सेंटेंस है अ चाइल्ड सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ नॉटी आई एम और ये विस्मयादि चिन्ह, इसमें देखिए हाउ आ गया है तो हाउ की जगह पर हम कर देंगे वंडर या सरप्राइज। अ चाइल्ड एक्सक्लेमिड विथ वंडर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, आई एम लिखा हुआ है तो आई फर्स्ट पर्सन का है और ये बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट इसमें आ चाइल्ड है तो चाइल्ड को ही भी मान सकते हैं शी भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मान लेंगे शी। आई एम लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट का है तो इसे हम पास कर देंगे पास्ट में, बस ये आ गया वेरी, यहाँ पर वेरी के बाद हम लगा देंगे ये, इसके बाद आ जाएगा ये नॉटी, तो ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अगला सेंटेंस है सम बॉयज सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे विस्मयादि चिन्ह वी हैव वॉन द मैच इन्वर्टेड कॉमा वन, तो हमने लिखा सम बॉयज, अब देखेंगे यहाँ पर लिखा है सैड तो सैड के स्थान पर हम कर देंगे यही एक्सक्लेमिट आ जाएगा तो हुर्रे का हो जाएगा जॉय। अब हमने आगे बढ़ा सेंटेंस को पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है वी हैगा फर्स्ट पर्सन का और ये बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें सब्जेक्ट है वॉइस, वॉइस यानी बहुवचन है तो यहाँ पर हो जाएगा दे, वर्ब देखी तो हैव लगा हुआ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है तो ये पास्ट में हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम हैड वॉन द मैच, सेंटेंस कंप्लीट। इस प्रकार से बनाना था इस सेंटेंस को। अब देखिए अगला सेंटेंस है अ टीचर सेड टू अ बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रैबो विस्मयादि चिन्ह यू हैव गुड मार्क्स, तो लिखेंगे अ टीचर, यहाँ पर देखिए सेड टू लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर हम लगा देंगे एक्सक्लेमिड विद, ये लिखा हुआ है ब्रैबो, यहाँ पर आ जाएगा प्रेस, अब ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट अ बॉय तो अब आ जाएगा अ बॉय, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो यहाँ पर आ जाएगा दैट, यू सेकंड पर्सन का है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा जो रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा हुआ है, अ बॉय तो ये हो जाएगा ही, हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की है तो हो जाएगा हैड, अब लिखा हुआ है गुड 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 मार्क्स तो बाकी का जो लिखा हुआ है लिख देते हैं इसी प्रकार, ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ट्रांसलेट करने के लिए हमने सीख लिया है किस प्रकार करते हैं, तो अब होता है ये समाप्त। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आओगी, पसंद है तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।